अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 27 तारीख है। सेब के इस दरख्त पे दो शाखों पे मैंने कल पैमद लगाए थे और उनके ऊपर बैग चढ़ा दिए थे। अभी बाकी मादा शाखों पे मैं मज़ीद कुछ वैरायटी के पैमद लगाऊंगा और उसका तरीका भी आपसे शेयर करूंगा। तो अभी हम इस शाख की तरफ आते हैं। यहाँ पे मेरे पास जोना गोल्ड वैरायटी के तीन मुख्तलिफ सायान हैं। इन्हें मैं दो मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पैमद लगाऊंगा। उनमें से एक तरीका होगा वेज ग्राफ और दूसरा टॉप वर्किंग। दोनों नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें से एक सायान तो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है अभी मैं यहाँ पे पहली कटाई करूँगा। अभी अपने सायान की मोटाई को जेन में रखते हुए एक दूसरा कट। ये वेज खुद बहुत ही बाहर आ गई है। बेहतर होगा कि इसे वापस अपनी जगह पे फिट कर दें ताकि जब तक आप सायान की काट छाँट कर रहे हैं तो खुसूसन अगर आप गर्म इलाके में हैं तो ये इसे खुश्क होने से ये बचाएगा। और अभी मैं दूसरी तरफ भी इसका इस्तेमाल करते हुए ये मैं कटाई कर लूँगा। और अभी ये मैंने कटाई की है और यहाँ पे लकड़ी और छिलके के दरमियान में चम्मच रख के तो इसे नीचे दबाएं तो ये छिलका खुद बखुद लकड़ी से जुदा होता जाएगा। ये दो सायान मैंने तैयार कर लिए हैं और इन्हें मैं लगा दूंगा। तो अभी मैंने ये सायान की कटाई कर ली है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर की तरफ से मैंने लकड़ी काफ़ी काट दी है और अभी मैं इस छिलके को निकाल के तो उसकी जगह पे इसे फिट करूँगा। और यहाँ रख के ऊपर से इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएं ताकि ये इस जगह पे टाइट फिट हो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह यहाँ पे फिट हो गई है।
भी इसे मैं इस रस्सी का इस्तेमाल करते हुए बांध दूंगा ताकि ये अपनी जगह से हरकत ना करने पाए। इस तरह सेब के इस दरख्त पे मेरे सभी पाबंद मुकम्मल हो गए हैं। अभी मैं मुस्तकिल तौर पे सील कर दूंगा ताकि ये खुश्क होने से बच जाए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो, तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।